आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी वीडियो लेके आई हूँ। क्यों? क्योंकि विंटर्स हैं और विंटर्स में सबके हाथ पांव बहुत ख़राब हो जाते हैं। फेस से ज़्यादा हाथ पांव का कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और बहुत ड्राई हो जाते हैं। हाथ सर्दियों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, कलर बहुत डल हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुश्क हवा होती है। विंटर्स में सबका यही हाल होता है। तो सिर्फ ओनली आपको क्या चाहिए इन अपने मतलब हाथों और पाँव को अच्छा बनाने के लिए, आपको सिर्फ एक नींबू चाहिए, मतलब ओनली वन लेमन। आपने उसे काट लेना है दरमियान से, और जिस तरह मैं अपने हाथों पर अप्लाई कर रही हूँ आपने इसी तरह लगाना है। 50 जिस तरह स्क्रब करते हैं ना, उसी तरह आपने इसे मतलब बिल्कुल इसकी स्क्रबिंग करनी है जैसे। और आपने कोई और चीज़ शुगर या सॉल्ट आपने ऐड नहीं करना, सिर्फ नींबू ऐड करना है। लेमन में विटामिन सी होता है और विटामिन सी जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपने अप्लाई करने के बाद इसे 45 मिनट्स तक छोड़ देना है और फिर आपने अपने हाथों को वॉश कर लेना है। 1 वीक तक आपने ये यूज़ करना है। खाली एक नींबू लेना है, उसको काटना है और उसके बीज निकाल लेने हैं और उसे स्क्रब करना है, यानी अपने हाथों और पाँव पर। अगर आप पाँव पे करना चाहते हैं तो पाँव पे भी करें, हाथों पे भी करें। अच्छी तरह स्क्रब करने के बाद 45 मिनट्स तक के बाद वॉश करें, और वॉश करने के बाद कोई भी वैसलीन या कोई भी मॉइस्चराइज़र, आप जैसे कि मैंने ये वैसलीन ली है और इससे मैंने अपने हाथों और पाँव को मॉइस्चराइज किया, या आप इसकी जगह कोई भी और मॉइस्चराइज़र, कोई भी क्रीम जो कि आपके हाथों और पाँव को मॉइस्चराइज कर सकें, उससे लगाएं और छोड़ दें। आपने 1 वीक तक आपने रोज़ एक नींबू जो है आपने काट कर उसके बीच निकाल कर आपने अप्लाई करना है। इसी तरह आपके हैंड भी सॉफ्ट हो जाएंगे, जैसे कि मेरे हैंड, यहाँ पे मेरा हाथ नज़र आ रहा है। अब एक दिन में तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप 3 दिन यूज़ करेंगे, 3 दिन बाद देखेंगे, या फिर आप 1 वीक बाद अपने हाथों का रिज़ल्ट देखिएगा। ठीक है, तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह।